दोस्त उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ बुराक और आप YouTube चैनल देख रहे हैं विडिंग विद बुराक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 4.4 में जो कंसेप्ट जो सर ने किया है या बुक वालों ने किया है वो मैं आपको पहले बताऊंगा, इसकी स्टेप वाइज इसकी डिफिनीशन पहले। तो अकॉर्डिंग टू सर 1 to 48 क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। क्विज़ में 1 to 48 ऑड क्वेश्चन इसमें करने हैं 4.4 में, ठीक है। अच्छा, लीनियर कम्बिनेशन इसमें है। अब लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है? लीनियर कम्बिनेशन होता है, फिर स्पिनिंग सेट्स होता है, फिर लीनियर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, लीनियर कम्बिनेशन, ठीक है। लेट सपोज आपको आप लोगों तो मैंने वेक्टर स्पेस का डिफिनीशन और सारा कुछ वो जो 10 एक्सियम्स है वो सारा कुछ मैंने बताया था। अगर नहीं बताया, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो वो वीडियो पहले देखे, आपको समझ आ जाएगी कि वेक्टर स्पेस क्या है, और फिर आ जाए 4.4 एक्सरसाइज को, ठीक है। क्योंकि जब ये सीक्वेंस है, जब आपको मतलब वन फॉलो नहीं करते तो दूसरा भी नहीं कर सकते। अच्छा, वेक्टर स्पेस मैंने आपको बताया था कि वेक्टर स्पेस तो 10 एक्सियम जो कि फॉलो करते हैं। अब V1 और V2 V3 ये सब स्पेसेस है, ठीक है। तो सब स्पेसेस का भी मैंने बताया था, सब स्पेसेस वो वेक्टर स्पेस होता है जो कि जिनकी एलिमेंट्स जो है ना वो वेक्टर स्पेस में, जिनकी एलिमेंट सारे वेक्टर स्पेस में हो लेकिन वेक्टर स्पेस की एलिमेंट सारे उसी सब स्पेस में ना हो, ठीक है। तो उसको हम सब स्पेस कहते हैं। अच्छा, C1 और C2, C3, C2 C3 ये रियल नंबर है। तो अब लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है? लीनियर कम्बिनेशन ये होता है कि आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, किस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन, इस रियल नंबर का, रियल नंबर और ये वेक्टर, ये सब स्पेस जो कि वेक्टर स्पेस है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। तो इस तरह इन दो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे C1 और V1, ठीक है, प्लस C2 V2, ठीक है, प्लस C3 V3। तो इस सारे आप जब ये सारे प्लस करोगे तो वो वेक्टर जो ऑब्टेंड होगा, जो उसका रिजल्ट होगा वो भी वेक्टर स्पेस होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर कम्बिनेशन, ठीक है। लीनियरली कंबाइंड हो रहे हैं ना, लीनियरली मतलब वन लाइन में, ठीक है। और वन वन पावर भी दोनों का है, दोनों का वन वन पावर भी है, ठीक है, कभी वन वन पावर, तो दोनों का तो सेम चूंकि है नहीं तो स्क्वायर तो नहीं आएगा ना, तो स्क्वायर इस तो स्क्वायर तो क्वाड्रेटिक भी नहीं है, तो इसीलिए लीनियर उसको कहा गया है। और कम्बिनेशन तो इसमें प्लस सारे जो है ना ऐड हो रहे हैं, तो इसी वजह से इसको कम्बिनेशन, लीनियर कम्बिनेशन कहते हैं। अच्छा, स्पेनिंग सेट्स क्या होता है वो मैं क्वेश्चन में भी आपको बताऊंगा कि क्या होता है। स्पेनिंग सेट्स जो है ना वो लेट सपोज ये सब स्पेस है, ठीक है, V1 V2 V3 एंड टू VK, ये सब स्पेसेस है, बे सब सेट या सब सेट है ऑफ वेक्टर स्पेस V, द सेट इज अ स्पेनिंग सेट ऑफ V। तो वो सेट जो है ना वो कब स्पेनिंग सेट होगा, स्पेनिंग सेट कब होगा, तब होगा व्हेन एवरी V जो स्मॉल V है, जब हर में वी एस में से हर एक वी एन वी, ठीक है, ये तो सारा रिलेटेड है, मतलब सारा रिलेटेड है वी को, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने वी लगाया, या पे एस भी लगा सकते हैं, एन एन एस, ठीक है, इन बी रिटन एस। अच्छा, देखिए, अगर ये वेक्टर, अगर हर एक वेक्टर लीनियर कंबाइंड हो रहा हो और उसी से वेक्टर स्पेस बन गया, तो उसी को हम कहते हैं कि ये एस जो है ना, इसमें जितने भी एलिमेंट है वो स्पेन हो रहा है वी वी को, ठीक है, स्पेन हो रहा है वी को। तो इस तो हम कह सकते हैं कि एस स्पेन्स वी, ठीक है, आसान सी बात है। बस आपने लीनियर कम्बिनेशन को फाइंड करना है, C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 इक्वल टू V। ऐसे अगर V आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर गलत। तो इस सारे एलिमेंट से जब V आता है तो फिर एस स्पेन करेगा V को, ठीक है। नाउ टेस्ट फॉर लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है। एन एस इज इक्वल टू V1 V2 V3, ये जब आप कंसेप्ट क्लियर करोगे तो इंशाल्लाह गारंटी दो क्वेश्चन भी सॉल्व करना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, फिर आसान बन जाएगा। अच्छा, एस इज इक्वल टू V1 V2 V3,
इस तो हमने सपोज किया है C1। अच्छा, ये आप जब उसको चेक करते हो कि ये इंडिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट है कि लीनियर डिपेंडेंट है, तो उसके लिए आपने दो स्टेप फॉलो करना है। आपने वो इसको उठाना है, ठीक है, ये तो वैसे भी आपको वेक्टर स्पेस दिया होगा, तो जब वो वेक्टर स्पेस आपने क्या सब आपने किया मालूम करना है, सारों जो जितने भी सारे जो है ना वो है, जितने भी वेक्टर है सबसेट है, इसके साथ C1 आपने खुद मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, या इस तरह करना है कि लीनियर कम्बिनेशन आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है इनका इनका, तो लीनियर कम्बिनेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनमें से अगर C1 C2 C3 ये इसकी वैल्यू 0 आ गई, देखिए सुने मेरे बात, अगर C1 C2 C3 की वैल्यू 0 आ गई सारों की, तो ये पेयर लीनियर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर 0 नहीं आई तो पेयर लीनियरली डिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा मसला है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को इसमें 3 पार्ट्स है तो उसको नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह है कि S इज इक्वल टू 207 245, 2 - 12 13, और यू उन्होंने दिया है -156, ठीक है। तो वी नीड टू सॉल्व द इक्वेशन, हमें कौन सा इक्वेशन सॉल्व करना है, ये क्या है C1 इनटू V1, ये V1 है ना, ये V1 है C2 इनटू V2, तो ये लीनियर कम्बिनेशन में हमने लिखा कि नहीं, तो इस तरह आप लिखोगे, ये हमारे पास V1 हो गया, ठीक है, ये हमारे पास V2, ये हमारे पास V3। फिर आप अगर क्वेश्चन करते हो तो इस तरह कर सकते हो कि ये V1 उसको क्यों कहा, V2 उसको क्यों, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है, ठीक है, वेक्टर स्पेस है ऑफ R3, ठीक है, RQ का 3 इसमें है ना, तो इसी वजह से ये वेक्टर स्पेस बन गया, ठीक है। अच्छा, C V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 प्लस इक्वल टू V, तो V क्या दिया है, या U, U क्या दिया है, जो जो बड़ा वेक्टर स्पेस है, तो -156, ठीक है। अब C1 C2 C3 के लिए आपने क्या करना है, अपने इक्वेशन को कंपेयर करना है, वो C1 वाले जो टर्म्स है वो उसको कंपेयर करना है, तो ये टर्म इसके साथ बन जाएगा, ठीक है, ये वाला टर्म दूसरे के साथ बन जाएगा क्योंकि बीच में इक्वल है, और C3 वाला -6 के साथ बन जाएगा, तो 2C1, अब 2C1 इसके साथ C1 मल्टीप्लाई भी करें, 2C1 प्लस 2C2, ठीक है, प्लस 2C2, ठीक है, प्लस 2C3, ठीक है, फिर इसके साथ -1 लगाए, ठीक है, इसको इसके साथ जमा करें, प्लस इसको इसके साथ जमा करें, प्लस इसको इसके साथ जमा करें, पर फिर इसके इक्वल ले ले, ठीक है। इस तरह ये भी 4C2 इसका तो 0 बन जाएगा ना, ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो है ना, अब यहाँ पे C2 बनता है 0 0C1, तो 0C1 का तो वैल्यू नहीं रह जाएगा ना, वो चला जाएगा, प्लस 4C2 4C2, ठीक है, इस तरह टर्म्स, इसका इसके साथ प्लस इसका इसके साथ प्लस इसका इसके साथ, ठीक है, और इक्वल टू 5, ठीक है, आसान है। 7C1 7C1, ठीक है, प्लस C2 5 5C2, ठीक है, प्लस C3 13, तो इस तरह इस सीक्वेंस में आपने ऐड करना है, ठीक है, -6। अच्छा, इससे आपने फिर मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स, क्योंकि हमें C3 और C1 और C2 की वैल्यू चाहिए, तो जब ये सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन तो आप वैसे सॉल्व नहीं कर सकते ना, थर्ड जो थ्री जो इसमें इक्वेशंस है, तो आप उसके लिए वो क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, तो मैट्रिक्स आप बनाना है, मतलब कोएफिशिएंट आपने लेना है 2 2 2, ठीक है, और -1, ठीक है, फिर 0 4 - 12 C2 और 5 7 5 13, ठीक है, C3, इसको सॉल्व करना आपको आता है, ठीक है, क्योंकि सारा जो जो मिड टर्म का कोर्स है वो सारा इसी पे ही डिपेंडेंट है, ये सारे इसमें है, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, मैंने फार्मूला लिखा है, एक्स इज इक्वल टू एन वर्स बी, या इस पे कर सकते हो, या क्रेमर रूल पे करते हो, या शेलान फॉर्म पे करते हो, या रिड्यूस शेलान फॉर्म पे करते हो, जो भी आप मर्जी है। अच्छा, C1 इससे आएगा -7/4, ठीक है, C2 इससे आएगा 5/4, C3 इससे आएगा 0, तो इसका मतलब क्या है, यू कैन बी रिटन एज यू इक्वल टू -7/4। ये सिर्फ क्या मालूम करना था, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सिर्फ और सिर्फ ये मालूम करना था कि आपने लीनियर कम्बिनेशन, तो लीनियर कम्बिनेशन तो हमने मालूम किया,
सी, तो इस तरह मालूम होता है। मतलब ये तो वी वन तो उन्होंने किया गिवन होगा, लेकिन सी वन का हमें नहीं पता, और सी टू जो जो रियल नंबर है जो मैंने फार्मूले में बताया था, ये फार्मूला है ठीक है, ये सी, ये सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू प्लस सी थ्री वी थ्री, इस तरह। तो अच्छा, और यू फिर सी वन की जगह माइनस सेवन बाई फोर लगाए ठीक है, और सी टू की जगह फाइव बाई फोर, इस तरह वी वन आएगा फाइव बाई फोर और सी थ्री की जगह जीरो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर फाइव, और क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, ए इज इक्वल टू टू माइनस थ्री फोर वन ठीक है, और बी इज इक्वल टू जीरो फाइव वन माइनस टू सिक्स, सिक्स माइनस माइनस नाइनटीन, ये क्वेश्चन दिया है, और ये सारों के लिए ए और बी दिया है ठीक है। तो लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, लेट सपोज, उन्होंने सपोज किया कि ये वी है ठीक है, तो सॉरी, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस एंड लेट यू, ये तो सपोजिंग चलिए है, लीनियर कम्बिनेशन बस आप लिख ले, सिर्फ स्टेप वाइज स्टेप मैं बता रहा हूँ ठीक है। आप लीनियर कम्बिनेशन लिखे, लीन कम्बिनेशन का फॉर्मूला तो आपको पता है, सी सी यू वन प्लस सी सी टू यू टू, एस सी यू बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने यू बस वैल्यू दिया है, वी लगाए यू लगाए जो भी है, लेकिन वेक्टर स्पेस होना चाहिए, ये वेक्टर स्पेस होना चाहिए ठीक है। अब वी की जगह उन्होंने क्या लगाया है, ये वी की जगह उन्होंने सिक्स माइनस नाइनटीन टेन सेवन ठीक है, और सी सी यहाँ पे यू वन जो उन्होंने दिया है वो ए है, और प्लस सी टू यू टू जो है ना वो ये है ठीक है। अच्छा फिर इससे इक्वेशन बना, इक्वेशन बना तो आपको पता है, सिक्स सिक्स इक्वल टू टू सी वन प्लस जीरो सी टू, मतलब सी टू चला जाएगा ठीक है, जीरो सी टू इक्वल टू सिक्स ठीक है। फिर सी वन माइनस थ्री सी वन प्लस फाइव सी टू इक्वल टू माइनस नाइनटीन ठीक है, ये बन जाएगा। फोर सी वन प्लस वन सी टू इक्वल टू टेन ठीक है, सी सी वन प्लस माइनस सी टू सी वन टू सी टू ठीक है इक्वल टू सेवन ठीक है। और फिर उसको सॉल्व करने के लिए मतलब सी टू सी वन तो गिवन होगा, सी वन तो ऑलरेडी हमारे पास इस तरह आता है, टू सी वन इक्वल टू सिक्स, टू सी वन इक्वल टू थ्री ठीक है। आप सी वन इक्वल टू थ्री है तो इन दो, फिर आप हमें पुट करें, पुट इन टू इसमें पुट करें तो हमारे पास सी टू आ जाएगा, और जब फिर ये दोनों वैल्यू सी थ्री में पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पुट मत करें बस उसको छोड़े, क्योंकि सी वन और सी टू में चाहिए, तो सी वन और सी टू दोनों तो आए। अब सी लीनियर कम्बिनेशन में लिखें, जेड इज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी ठीक है। अच्छा फिर क्वेश्चन नंबर सेवन करेंगे, ए टू माइनस थ्री फोर वन, बी जीरो फाइव वन माइनस टू, जेड उन्होंने दिया है ठीक है, जेड की वैल्यू दिया है, आप लीनियर कम्बिनेशन में उसको लिखिए ठीक है, माइनस टू ट्वेंटी थ्री, ये वाला आपने वी सपोज करना है, जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है वो आपने वी सपोज करना है फार्मूले में ठीक है। इस फार्मूले में आपने, इस फार्मूले में वी इक्वल टू सी वा सी यू, इसमें आपने जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है वो आपने सपोज करना है, जो ये क्वेश्चन है असल में, ये दो ये सारा क्वेश्चन के लिए है, तकरीबन पाँच छः क्वेश्चन इसी पे है, इसी पे, लेकिन ये डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट है तो उसका मतलब है वी डिफरेंट है, ये वी ठीक है। अच्छा ए लेट सपोज ले ले, या सी वन ले ले सी टू ले ले, आपकी मर्जी है, कांस्टेंट वैल्यू है, जो भी नाम देते हो ठीक है। अच्छा बराबर है ना, अब टू टू ए ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करके टू ए प्लस बी जीरो बन जाएगा, ये तो सॉल्व करना तो आप लोग आता हो ठीक है, वो इसी तरह क्वेश्चन है जिस तरह क्वेश्चन नंबर फाइव था। अब इक्वेशन को इक्वेट करें ठीक है, कंपेयर करें, इक्वेशन वैसे ही इक्वेट होते हैं। अच्छा सॉरी फॉर दैट, टू ए प्लस जीरो इक्वल टू माइनस टू ओके, माइनस थ्री ए प्लस फाइव बी इक्वल टू ट्वेंटी थ्री ठीक है, फोर ए प्लस बी इक्वल टू जीरो ठीक है, अब ए माइनस टू इक्वल टू माइनस नाइन ठीक है। इनको सॉल्व करने के, ए से ए आएगा, ए उसी में पुट इन थ्री में पुट करें, थ्री में बी आएगा, तो ए और बी सा आ गया, बस इसको माइनस वन और प्लस फोर में लिख ले ठीक है। और ये जो वाइट पेपर है ना, ये मुझे एक हमारे जो सीआर है उसने मुझे एडवाइस दिया था कि सफ़ेद पेज पे करे, फोर पेज पे करे, ताकि लोगों को नज़र आ जाए, तो शुक्रिया फॉर दैट, अमानुल्ला, थैंक यू।
अच्छा क्वेश्चन नंबर 9, 2 1 -1 2। चलो वीडियो लेंथी हो तो मैं इसको अगले वीडियो में करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करें और एंड तक देखें।